नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में बेसिकली मैं आपको क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स के ही बारे में मैंने बताया था, तो अल्गी और ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। नाउ नेक्स्ट इज टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो होते हैं स्टूडेंट्स, दे आर दी वैस्कुलर प्लांट्स। अब ब्रायो और अल्गी में देर वेर नो वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम, मतलब कंडक्शन ऑफ वाटर और फूड के लिए उनके पास स्पेशल टिश्यूज़ होते हैं जो ये काम करते हैं, तो उनके पास नहीं था क्योंकि छोटे प्लांट्स थे, उनके पास रूट स्टेम लीफ स्ट्रक्चर नहीं था। अब ये टेरिडोफाइटा जो है वो लैंड प्लांट्स हैं, उनके पास रूट स्टेम लीफ स्ट्रक्चर है बट उनके पास फ्लावर नहीं है, इसीलिए उनको क्रिप्टोगैम में डाला है। सो दे आर दी फर्स्ट वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स एंड दे आर दी लैंड प्लांट्स, क्योंकि वो लैंड पे ग्रो होते हैं बट शेड लविंग होते हैं, उनको शेड चाहिए तभी ही वो ग्रो हो सकते हैं। सो दे आर शेड एंड मॉइस्ट लविंग। दे हैव रूट स्टेम एंड लीव स्ट्रक्चर एंड बेसिकली इनका जो मेजर डिफरेंस क्या है, एक तो उनके पास फ्लावर्स नहीं होते, दूसरा इनके पास सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है वैस्कुलर सिस्टम में। अब सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, केम्बियम। केम्बियम क्या होता है, यहाँ पर समझो ये एक वैस्कुलर बंडल है जहाँ पर जाइलम है और फ्लोएम है, तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक स्पेशल टिश्यूज़ फॉर्म होते हैं जो पर्टिकुलरली प्लांट्स जिनको एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो नए टिश्यूज़ फॉर्म होते हैं, तो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के टाइम पे प्लांट्स को एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तब ये केम्बियम जो है वो डेवलप होता है और वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन अब यहाँ पर मैंने आपको लास्ट अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि वॉट इज़ स्पोरोफाइट एंड वॉट इज़ गैमेटोफाइट। तो स्पोरोफाइट जो है वो क्या होते हैं, बेसिकली दे आर दी द स्टेज, कौन सा स्टेज है जिसमें पर्टिकुलरली रूट स्टेम और लीव स्ट्रक्चर होता है, और गैमेटोफाइट गैमेट बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है। तो स्पोरोफाइट जो है इट इज़ असेक्सुअल पार्ट जिसमें रूट स्टेम और लीफ होता है, तो टेरिडोफाइट के पास रूट स्टेम और लीफ होता है, और वहीं पे ही गैमेटोफाइट जो है उनके पास इट इज़ अ हैप्लॉइड एंड इंडिपेंडेंट स्टेज, क्योंकि ब्रायोफाइट में मैंने आपको क्या बताया था कि बेसिकली गैमेटोफाइट वहाँ पे डोमिनेंट स्टेज है उनके लाइफ साइकिल में और स्पोरोफाइट छोटा होता है, बट यहाँ पर स्पोरोफाइट इज बिग स्टेज एंड गैमेटोफाइट जो है वो डिपेंडेंट स्टेज है एंड स्मॉल स्टेज है, बट इट्स नॉट वेरी लाइफ साइकिल जो है उनका पूरा गैमेटोफाइट नहीं होता है, उनके पास अगेन रिप्रोड्यूसिंग एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया स्पोर्स होते हैं। स्पोरोफाइट में स्पोर्स होते हैं, एट्रोस्पोरस होते हैं, और गैमेटोफाइट में गैमेट्स होते हैं, एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया विच विल फॉर्म दी जाइगोट, और जाइगोट के बाद फिर बाद में जाइगोट डेवलप होता है स्पोरोफाइट में, स्पोरोफाइट में स्पोर्स होते हैं, और स्पोर्स जो है वो जनरेट होकर फिर से नया प्लांट जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो पर्टिकुलरली बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इन टेरिडोफाइट्स एंड इट इज हैविंग हेट्रोमॉर्फिक कंडीशन। हेट्रो मीन्स फॉर डिफरेंट एंड मॉर्फिक मीन्स टू टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजी, गैमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक। गैमेटोफाइटिक गैमेट्स बेरिंग, स्पोरोफाइटिक स्पोर बेरिंग, एन एग्जाम्पल नेफ्रोलिपिस एंड मार्सीलिया। सो टेरिडोफाइट में इतने पॉइंट्स आपको याद रखने, इनका क्लासिफिकेशन फर्दर हमको स्टडी नहीं करना है क्योंकि बहुत ही डिटेल में है वो। सो यू आर ओनली सपोज टू स्टडी द जनरल कैरेक्टर्स। नेक्स्ट पार्ट इज़ व्हाट, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और मैंने आपको बताया कि कैसे वो फेनेरोगैम्स में आते हैं। बेसिकली फेनेरोगैम्स मतलब फ्लावरिंग एंड सीड बेयरिंग प्लांट्स, एंड जिम्नोस्पर्म ये वर्ड ही ब्रेक करोगे आप लोग तो जिम्नो स्टैंड्स फॉर नेकेड एंड स्पर्म स्टैंड्स फॉर सीड्स। तो एंजियोस्पर्म में सीड्स होते हैं बट दे आर नॉट नेकेड, दे आर इनक्लोज्ड इन ओवरी, एंड जिम्नोस्पर्म में क्या होता है वो नेकेड होते हैं, मतलब नेकेड मतलब क्या, उनको कोई कवर नहीं होता है, फ्रूट नहीं होता है और कुछ भी नहीं होता है, सो इट इज़ नेकेड सीड्स। एंड मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिम्नोस्पर्म्स जो है वो क्या होते हैं, बेसिकली दे आर दी वुडी प्लांट्स जहाँ से हम लोग फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली बेटा फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो वुड जो होता है वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का होता है, एंड इट इज़ प्रोमिनेंट इन सेकेंडरी ग्रोथ, उनका ग्रोथ जो है वो सेकेंडरी, तो वेल डेवलप्ड उनका स्टेम जो है वो बहुत ही बढ़िया से डेवलप्ड होता है, एंड वी कैन यूज़ इट फॉर मेकिंग फर्नीचर। तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है मैंने आपको बताया अभी, केम्बियम प्रेजेंट होता है, तो केम्बियम प्रेजेंट होता है मतलब क्या कि बेसिकली इट इज़ शोइंग अ प्रोमिनेंट सेकेंडरी ग्रोथ, एंड प्लांट बॉडी जो होता है इट इज़ डिवाइडेड इन स्पोरोफाइट, रूट स्टेम एंड लीव स्ट्रक्चर। रूट स्टेम एंड लीव स्ट्रक्चर उनके पास प्रॉपरली रूट होते हैं, वेल डेवलप्ड रूट
होते हैं और रूट में भी स्पेशल टाइप ऑफ रूट होता है, टैप रूट तो होता ही है, बट उसके अलावा टैप रूट एंड फाइब्रस रूट आई नो दैट कि आप लोगों को पता होगा कि वॉट इज़ टैप रूट एंड वॉट इज़ फाइब्रस रूट। टैप रूट बेसिकली जो रेडिकल से डेवलप होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर्स होता है, मजबूत ना है, नॉर्मली डेवलप प्लांट्स में होता है। फाइब्रस रूट भी होते हैं डेवलप प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म में ही होते हैं, बट दे आर जो लाइफ साइकिल प्लांट्स का शॉर्ट होता है नॉर्मली उनमें फाइबर लाइक होते हैं, फाइब्रस एकदम पतले होते हैं। सो सपोर्टिंग रूट्स एंड कोरोलॉइड रूट कुछ प्लांट्स में स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। कोरोलॉइड मतलब क्या, कोरल के जैसे दिखते हैं वो, एंड वो बेसिकली वो उसमें स्पेशल प्रॉपर्टी होता है कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन और साइकस के लाइफ साइकिल को हेल्प करता है कि इट कैन ग्रो हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो कोरोलॉइड रूट प्रेजेंट रहता है। स्टेम में आपको बता चुकी हूँ, सॉलिड होता है, इरेक्ट होता है, केम्बियम होता है, अनब्रांच्ड होता है। अनब्रांच्ड मतलब क्या, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है और ऊपर जो है वो इस तरीके से लीव्स होते हैं, नीडल शेप के होते हैं। अब लीव्स जो है वो भी दो दो टाइप्स के होते हैं, डायमॉर्फिक, डायमॉर्फिक मतलब टू मॉर्फोलॉजी, डायमेंस टू एंड मॉर्फिमेंस मॉर्फोलॉजी, एंड फोलिएज एंड स्केल लीफ। फोलिएज लीफ क्या होता है, बेसिकली फोलिएज लीफ मतलब वो क्राउन के जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, एंड सम प्लांट्स में वो नीडल के जैसा होता है, एकदम पॉइंटेड होते हैं। सकुलेंट्स, जिम्नोस्पर्म ज़्यादातर सकुलेंट्स होते हैं, मतलब वाटर लेस वाटर कंडीशन में भी वो सर्वाइव करते हैं, तो नीडल लाइक होता है, पॉइंटेड होते हैं। एंड स्केल लीफ जो प्रोटेक्ट करता है प्लांट को डैमेज से, तो स्केली स्ट्रक्चर्स होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड एज बल्बिल्स, जो वेजिटेटिवली प्रोपागेशन के लिए यूज़ करते हैं। स्पोर्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, हेट्रोमॉर्फस दैट इज हेट्रोस्पोरस वी कैन से, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। माइक्रो इज स्मॉल दैट मीन्स मेल, एंड मेगा मीन्स बड़ा, जिम दैट इज फीमेल, क्योंकि फीमेल में ही आगे प्रोसेस होता है, तो इट इज़ हेट्रोस्पोरस, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। एंड फिर उसके बाद जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये स्पोर्स जो है वो पर्टिकुलरली जो है वो फ्यूज़ होते हैं एंड दे फॉर्म दी स्पोरोफाइट जो होता है वो, उसमें मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर फ्यूज़ होकर दे विल हैव। अब ये पॉलिनेशन इसमें बेसिक कैरेक्टर, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पॉलिनेशन होना चाहिए, तो विंड पॉलिनेशन इज़ द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय विंड पॉलिनेशन, और विंड पॉलिनेशन को हम लोग दूसरा टर्म भी होता है, दैट इज़ एनिमोफिलस। एनिमोफिलस बहुत सारे अलग अलग टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन बाय बैट, चिरप्टोफिली, ऑर्निटोफिली, ओफियोफिली, बहुत सारे अलग अलग टाइप के, स्नेल, स्नेक, बहुत सारे पॉलिनेशंस होते हैं, बट ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म में विंड पॉलिनेशन होता है, और एग्जाम्पल है साइकस एंड पाइनस। सो दिस वॉज अबाउट दी टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। द लास्ट पार्ट इज वॉट अबाउट दी एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, बेसिकली दे आर दी वेल डेवलप प्लांट्स, वेल डेवलप प्लांट्स जिनके पास वेल डिस्टिंक्ट गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट जनरेशन होता है। अब स्पोरोफाइट इज द मोस्ट आइडियल पार्ट, क्योंकि आप लोगों को मैंने बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स बताया, मैंगो, नीम, जो ट्रीज़ हमको दिखते हैं, तो उसमें लीफ स्टेम और रूट वाला स्ट्रक्चर तो हमको प्रोमिनेंटली दिखाई देता है, वेल डेवलप्ड स्पोरोफाइट होता है, एंड गैमेटोफाइट जो है वो फ्लावर के थ्रू आता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्लावर के थ्रू, तो जो प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स होते हैं, दे आर दी फ्लावरिंग प्लांट्स, दे आर दी सीड बेयरिंग प्लांट्स। सीड्स आर नॉट नेकेड, दे आर कवर्ड इन फ्रूट। तो एग्जाम्पल मैंगो है, जिसमें पर्टिकुलरली सीड जो है वो मैंगो फ्रूट के अंदर होता है, तो वो एकदम लाइव एग्जाम्पल है एंजियोस्पर्म का, आप लोग याद रखोगे। एंजियोस्पर्म में फर्स्ट कैरेक्टर इज दे आर सीड्स एंड फ्रूट्स बेयरिंग प्लांट्स, सेकेंड इज दे आर वेल डेवलप्ड प्लांट्स एंड दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स, इनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरी आउट करने के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, दैट इज फ्लावर। एंड फ्लावरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे अगर हम लोग आएंगे तो मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगी, एंड दे आर ब्रॉडली डिवाइडेड मोनोकॉट एंड डाइकॉट, ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। द यूनिक कैरेक्टर इज डबल फर्टिलाइजेशन। अब क्या है, आई विल ड्रॉ स्मॉल डायग्राम ऑफ फ्लावर, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द फ्लावर। फ्लावर कंसिस्ट ऑफ अ स्टॉक ऑफ द फ्लावर दैट इज पेडिसिल,
थैलेमस जहाँ पे सारे फ्लोरल वॉल्स होते हैं, पेटल्स दैट इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोरोला, सेपल्स नहीं, एंड्रोशियम दो उसके मेंबर्स हैं, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम दैट इज कंसिस्ट ऑफ ओवरी स्टाइल एंड स्टिग्मा। सो ये चार पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमको पता होने को कि फ्लावर इज मेड अप ऑफ फोर पार्ट्स, सेपल्स पेटल्स एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। उनके मेंबर्स कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम बोलते हैं, सेपल्स पेटल्स स्टेमेंस एंड कार्पल्स। एंड्रोशियम जो है उसका दूसरा मेंबर्स जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्टेमेंस, एंड गाइनोशियम के कार्पल्स पिस्टल भी बोलते हैं, सेपल्स कैलिक्स कोरोला एंड एंड्रो कैलिक्स। ओके, तो मेंबर्स क्या होते हैं, सेपल्स पेटल्स स्टेमेंस एंड कार्पल्स। सो ये चारों पार्ट प्रेजेंट रहता है एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में। फ्लावर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एंजियोस्पर्म में, जो बहुत ही यूनिक है। एंड एंजियोस्पर्म में बेसिकली स्पोरोफाइट मैंने आपको बताया, वेजिटेटिव पार्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड गैमेटोफाइट के लिए बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर आते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि फ्लावर के अंदर जो है वो सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। हिबिस्कस आप लोग देखोगे ध्यान से तो आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। शू फ्लावर जो होता है उसमें सारे पार्ट्स जो है वो इट इज़ अ कंप्लीट फ्लावर, जिसमें सारे चारों वॉल्स होते हैं, एंड्रोशियम गाइनोशियम कैलिक्स कोरोला। सो वो आपको क्लियरली दिखाई देगा इन स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एज पेडिसल। तो ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं कि फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट्स, एंड वेजिटेटिव पार्ट इज रूट स्टेम एंड लीफ जो दिखते हैं दैट इज स्पोरोफाइटिक से, दिस इज गैमेटोफाइटिक। वाई, क्योंकि इसमें गैमेट बेयरिंग ऑर्गन्स है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके वजह से, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक स्पेशल टाइप से होता है दैट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, टू टाइम्स फर्टिलाइजेशन। नाउ फर्टिलाइजेशन इज व्हाट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो दैट प्रोसेस अभी क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन के लिए या फर्टिलाइजेशन करने के लिए हम लोग को ओवरी स्टाइल एंड स्टिग्मा जो है, ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है ओव्यूल। तो इट इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक। आई एम ड्रॉइंग अ वेरी रफ डायग्राम बट इट्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सो ये एम्ब्रियो सैक जो होता है इट इज सेवन सेल एट न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है। एंड ये एम्ब्रियो सैक जो है ये सेंटर पार्ट होता है, ये जो मैंने बनाया है दिस इज़ एन एम्ब्रियो सैक, जहाँ पर मेल गैमेट यहाँ से पोलन ट्यूब के थ्रू आता है और वो फ्यूज़ होता है दो बार। तो पहला वाला मेल गैमेट जो है वो एग के संग फ्यूज़ होता है और दूसरा वाला मेल गैमेट जो है वो डिप्लॉयड न्यूक्लियस के संग आता है। तो उससे पहले हम लोग को एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर जो है वो पता होना चाहिए ना। व्हाट इज एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक इज बेसिकली सेवन सेल्ड एट न्यूक्लियट स्ट्रक्चर, एंड इट हैज़ बेसिकली थ्री सेल्स एट द अपर पार्ट, थ्री लोअर, एंड इधर ना दो न्यूक्लियस होते हैं और एक कॉमन सेल होता है। ये कैसे फॉर्म होता है ये सब आप लोग डिटेल में स्टडी करेंगे बट इन क्लास 12th। सो फिलहाल में मैं आपको सिर्फ इतना बताती हूँ कि एक एम्ब्रियो सैक जैसा स्ट्रक्चर होता है जिधर डबल फर्टिलाइजेशन होता है प्लांट्स में, बहुत ज़रूरी है। और डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, वो एम्ब्रियो सैक के जो ऊपर के रीजन में एग सेल होते हैं, मेल गैमेट जो है दो मेल गैमेट्स होते हैं, पहला वाला मेल गैमेट जो है वो एम्ब्रियो सैक के अपर वाले सेल्स में फॉर्म होता है, मतलब फ्यूज होता है विथ एग, एंड वन मेल गैमेट इट विल फॉर्म जाइगोट। हाँ, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिनगैमी। क्या बोलते हैं, सिनगैमी। एंड द सेकेंड पार्ट इज व्हाट, बेसिकली इट इज जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है उधर मेल गैमेट फ्यूज होता है एंड इट इज़ कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। तो सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन जो है वो दोनों प्रोसेस होते हैं यहाँ पर, एंड दिस बोथ प्रोसेसेस टुगेदर फॉर्म अ डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है एंजियोस्पर्म का। एक बार और मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ एंजियोस्पर्म के बारे में। एक्चुअली ये चैप्टर में इट्स नॉट वेरी वेरी मच इन डिटेल, 12th स्टैंडर्ड में आप लोगों को बहुत ही डिटेल में है, बट मैं फिर भी एक बार बता के देती हूँ कि वॉट हैपन्स। एंजियोस्पर्म्स जो है वो जिम्नोस्पर्म से मोर डेवलप प्लांट्स है। क्यों, क्योंकि इनके पास फ्लावर होते हैं एंड दे हैव फ्रूट।
सीड जो होता है इट इज़ एनक्लोज्ड इन ओवरी, सीड जो होता है इट इज़ एनक्लोज्ड इन फ्रूट. तो वो एक यूनिक कैरेक्टर है, फ्लावर है उनके पास. अब इधर जो है पर्टिकुलरली फ्लावर जो है उसके पार्ट्स पता होने चाहिए हमको, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्शन, गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्शन. कैलिक्स कोरोला जो है वो पर्टिकुलरली दे आर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन बट नॉट डायरेक्टली, बट एंड्रोशियम गाइनोशियम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड्रोशियम मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, गाइनोशियम फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, जिनके फ्यूजन से जो है वो जाइगोट एंड फिर एम्ब्रियो और फिर से सीड एंड फ्रूट फॉर्म करता है. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर. डबल फर्टिलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है. क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो है वो दो बार होता है एंजियोस्पर्म्स में. इट इज़ अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक. एंड डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन. सिनगैमी मतलब क्या? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. जो पहला वाला पोलन ट्यूब जो है वो दो मेल गैमेट कैरी करता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक में होता है जो ओव्यूल के अंदर होता है. ये स्ट्रक्चर जो है वो ओव्यूल के अंदर है, ओवरी के अंदर है, ओव्यूल में होता है. और ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक होता है जो 7-celled 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है. 7 cell में द सेल अपर 3 cells आर कॉल्ड एज एग अपैरेटस विच कंसिस्ट ऑफ 2 सिनोजिट्स एंड 1 egg cell. और वो एग सेल जो है वो पर्टिकुलरली फ्यूज होता है पहले मेल गैमेट से बाय द प्रोसेस ऑफ सिनगैमी. ठीक है. एंड द सेकेंड मेल गैमेट फ्यूजेस विद द डिप्लॉयड न्यूक्लियस एंड इट इज़ कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन. तो दिस इज़ हाउ द डबल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. एंड मेरे को और भी कुछ बताना है. एंजियोस्पर्म्स जो है वो ब्रॉडली डिवाइडेड है मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स में. मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश फॉर्म में मैं आपको क्विकली बताऊंगी कि मोनोकॉट क्या है. दे हैव 1 cotyledon एंड डाइकॉट जो है वो 2 cotyledon. और कॉटिलीडॉन क्या है? सीड्स के अंदर 3 structures होते हैं, रेडिकल, प्लूमूल और कॉटिलीडॉन. तो कॉटिलीडॉन जो है वो न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है. बहुत कॉमन एग्जांपल है मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स. मोनोकॉट्स नॉर्मली आप लोगों ने केले के पत्ते देखे होंगे, हम मतलब आउटसाइड से ही मतलब ऐसे ही पहचान सकते हैं कि मोनोकॉट है या डाइकॉट है. सी देयर आर 2 types ऑफ लीव्स. एक लीव होता है इस तरीके से जिसमें वेन्स जो होते हैं उनके, हाँ, इस तरीके से वेन्स जो है वो ब्रांच्ड होते हैं. और एक जो केले का लीफ होता है उस तरीके से ऐसे 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 पैरेलली वेन्स अरेंज होते हैं. सो पैरेलल वेनेशन वाले नॉर्मली जो प्लांट्स होते हैं वो मोनोकॉट्स होते हैं. इस तरीके से होते हैं या फिर ऐसे लंबे लंबे भी होते हैं, तो दे आर ऑल्सो पैरेलल वेनेशन. एंड रेटिकुलेट वेनेशन मतलब मैंगो, नीम इनमें होता है. सो दे आर डाइकॉट्स. और डाइकॉट्स नॉर्मली जो होते हैं वो वुडी होते हैं. मोनोकॉट्स जो है वो दे आर दी स्टेम जो है उनका डेलिकेट होता है और रूट सिस्टम भी उनका वेल डेवलप्ड होता है. डाइकॉट का मोनोकॉट का नहीं होता है, तो टैप रूट एंड फाइब्रस रूट ऐसे हम लोग क्लासीफाई करते हैं. तो मोनोकॉट 1 cotyledon इन अ सीड एंड 2 cotyledon. सो इट इज़ वेरी वेरी इजी. सो दिस वॉज अबाउट दी प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन. ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मैंने आपको बताया है, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक. एक लास्ट छोटा सा पार्ट है जो मैं शॉर्ट में बहुत बताऊँगी आपको कि हैप्लॉन्टिक बेसिकली वो प्लांट्स होते हैं जिनके लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड स्टेज जो है वो डोमिनेंट होता है. डिप्लॉन्टिक जो है जिनके बॉडी में जिनके लाइफ साइकिल में डिप्लॉइड स्टेज ज़्यादा होता है. एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक वो प्लांट्स होते हैं जिनके लाइफ साइकिल में बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड स्टेज इक्वली मेंटेन्ड होता है. सो हैप्लॉन्टिक में नॉर्मली लोअर प्लांट्स आते हैं, डिप्लॉन्टिक में नॉर्मली वेल डेवलप प्लांट्स एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक में मीडियम वाले प्लांट्स मतलब ब्रायो वगैरह, टेरिडो एंड हैप्लॉन्टिक अलगे. डिप्लॉन्टिक बेसिकली एंजियोस्पर्म वगैरह, क्योंकि डोमिनेंट फेज जो है वो स्पोरोफाइटिक होता है. एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक में भी एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म भी आ सकते हैं, बट ज़्यादातर ब्रायोफाइटा आते हैं, टेरिडोफाइटा आते हैं. सो दिस इज़ हाउ वी हैव कंप्लीटेड अबाउट आर चैप्टर किंगडम प्लांटे और किंगडम प्लांटे. होप इट विल बी हेल्पफुल स्टूडेंट्स. जो मैंने फ्लो चार्ट बनाए हैं प्लीज़ ज़रूर से रेफर करना अबाउट दी अल्गी, अबाउट दी ब्रायोफाइटा, अबाउट दी टेरिडोफाइटा, अबाउट दी जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. जो मैंने मेन की पॉइंट्स बताए हैं प्लीज़ डू रेफर इट. इट इज़ वेरी विल, इट विल बी वेरी विल हेल्पफुल फॉर यू. एंड थैंक यू.